be discussing the mistakes of just task two. क्योंकि task one की और mistakes हैं आपके, उसमें आप कैसे datas लगाते हो, क्या करते हो, उसकी mistakes are different. Now what is right and what is wrong? Task one जब आप paper देके आते हो, आप कहते हो बहुत अच्छा हुआ. सबसे पहले तो बच्चे इतने खुश होते हैं कि question same आ गया. ये भी एक बहुत बड़ी problem है exam में, जब question same आता है वो खुशी में ही आधा गलत हो जाता है, क्योंकि दिमाग नहीं ना लगाते, फिर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हो आप. नाउ आई विल बी टेलिंग यू टू टच 7.5 to 8 इन राइटिंग्स. काइंडली स्ट्रेस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. जो मिस्टेक आपकी क्लास में निकल रही है, नेक्स्ट एसे में वो मिस्टेक मत करो. उस एसे को चेक करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो जो कमेंट्स हैं, वो जो मिस्टेक्स हैं, उसको अगले एसे में भी आप वही कर रहे हो, फिर से वही मिस्टेक्स निकल रही हैं. डोंट डू दैट. वॉट एवर इज़ द मिस्टेक, काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड देन रिमूव इट. फर्स्ट मिस्टेक मैंने अभी एक लिखी थी, अभी कॉपी चेक की, उसमें लिखा हुआ है देर इज नो एनी रीज़न बिहाइंड दिस आर्ग्यूमेंट. अब ये वर्ड है नो एनी रीज़न, ये नहीं आना, ये गलत हो जाएगा आपका. सुनने में ठीक लगता है? देर इज नो एनी रीज़न, नहीं, देर इज नो रीज़न. अब एनी आपने क्यों लगाया? कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, यही ट्रांसलेशन किया ना आपने, तो एनी नहीं लगाओ. एनी इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर. ये आपकी कॉमन मिस्टेक है, और इस मिस्टेक को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टेम्पलेट की लाइन लगाओ. या आप लिखते हो देर आर मेनी रीजन, ये भी वर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है. आपके पास वर्ड है देर आर, कौन सा वर्ड है? माइरेड. माइरेड वर्ड है तो उसके स्पेलिंग ठीक कर लो, सीरियसली. अब मतलब इस एज में नहीं अच्छा लगता कहना कि स्पेलिंग ठीक कर लो. आपकी फ्रंट पे प्रिंटेड है, उसको याद कर लो. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. फिर एक और मैंने देखी है, हाँ ये तो बड़े बच्चे लगाते हैं भाई, ये आप मुझे बताना कि ठीक है कि गलत है. आई एम अग्री, तो फिर लिखते क्यों हो? लिखते क्यों हो? आई एम अग्री नहीं लगता, सिंपली आई अग्री. और उससे भी ज्यादा लगाते हो आई एम पार्शली अग्री. कोई शौक नहीं है वर्ड्स बढ़ाने का. आई पार्शली अग्री, इज इट क्लियर? एम नहीं आएगा, एम आई एन जी के साथ आएगा. वैसे मेरा ग्रामर पढ़ाना नहीं बनता आपको, आप लोग जिस सी टू में हो आपकी क्लियर होनी चाहिए ये बेसिक्स. बट दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट आई हैड टू राइट इट डाउन. ओके, और एक मैंने मिस्टेक आपकी पढ़ी है, हाँ वी, जो पर्सनल प्रोनाउंस लगाते हो आप, ये नहीं लगाने ऐसे. वी अग्री, वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. अभी थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन था और उसकी कॉपीज चेक हो रही थी, तो उसमें था वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. लाइफ प्लेज, क्या था वो क्वेश्चन? हाँ, एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ. जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है. इन माई लाइफ, इसकी भी जरूरत नहीं है. अवॉइडेबल वर्ड्स है ये प्रोनाउंस नहीं चाहिए हमें. माई हमने तभी लगाना है वेयर देर इज एन ओपिनियन अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव. दूसरी गलती जो मैंने देखी है दैट वॉज अकॉर्डिंग टू आर परस्पेक्टिव. कलेक्टिव नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो माय परस्पेक्टिव आएगा, माय ओपिनियन आएगा, बाकी वी और आर नहीं आएगा. वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, नो, ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट. उसको ट्रांसफॉर्म करो ना, वो जो दैट के आगे ब्लैंक है उसको ट्रांसफॉर्म करो, ठीक करो उसको. ये मिस्टेक्स जिनकी कॉपी में, आई वॉन्ट टेक द नेम्स, रेड पेन से मार्क हुई हुई है, करेक्ट कर लेना. इज इट क्लियर? एक और गलती मैंने क्या पढ़ी थी, शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखा करो. ये
डोंट डू नॉट करो समझियो हाँ। और एक मिस्टेक आपकी वो बड़ी थी प्रपोजिशंस की, प्रपोजिशंस अननेसेसरीली ऐड करते हो या हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं हो। जब आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, विकैबलरी भी वेस्ट हो जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? डोंट डू दैट। और मैंने काउंट मिस्टेक्स काफ़ी सारी पढ़ी थी। हाँ एक और मैंने पढ़ी थी ये वाली क्या, हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी मिस्टेक थी, बताऊँ? रुको, मुझे लग रहा था अगर ये मिस्टेक्स करेक्ट ना हो ना तो इंग्लिश भूल जाएंगे हम लोग। बहुत सारी कॉपीज हैं जिसमें ये लिखा हुआ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ये स्प्रिंग रोल वाला रोल है। सच्ची ये स्प्रिंग रोल वाला है, अपनी कॉपियां चेक करो। फिर उसको बुला के पूछा तो कहते नहीं ये ई है, ये एल है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी जाओगे बताने एल लिखा हुआ है कि ई लिखा हुआ है, उसको ठीक से लिखो। ये स्प्रिंग रोल है, वो रोल है, और आपके पास ये रोल तब मिलेगा जब स्कोर आएगा, वो ही रोल चलना है। समझ गए हो? कॉपीज पे लगाई हुई है मिस्टेक्स, ये नहीं होना चाहिए। और ये मत बोलना कि मैंने तो एल लिखा था, ई लिखा था, क्या लिखा था। ई है तो क्लियरली ई लिखो, ई छोटा होता है एल से। समझ गए हो? इज इट क्लियर? आई विल नॉट टेक द नेम्स, अगली बार मैंने नेम्स ले लेने हैं, फिर मत कहना इज्जत हो गई बहुत ज़्यादा। और एक क्या पढ़ा था मैंने, फर्दर मोर, फर्दर यहाँ पे बीच में हाइफन कैपिटल से मोर, ये नहीं है, ये भी नहीं आता, ये ऐसे आता है, फर्दर कट्ठा आता है। सोच के लगाया करो कैपिटल कितने लगना है। खुश तो हो गए कनेक्टर आता है, बट इसकी यूसेज ऐसे है, फर्दर मोर के साथ एज वेल एज मत लगाओ, रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग अपने टेम्पलेट्स को फॉलो करो, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होएगा। समझ गए ये मिस्टेक? अब ये होनी नहीं चाहिए, बस नेक्स्ट कॉपी में। एक और क्या थी, क्या वर्ड आना है, प्ले आना है कि प्लेज आना है? प्लेज आना है, प्ले नहीं आना। किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं चाहिए थी, मेरे को बड़ी जल्दी थी। यही जवाब देते हो ना हमेशा आके कि बड़ी जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी में हो गया, और जल्दी जल्दी में ऐसे छूटना है। एस को कितने घंटे लगने हैं, टाइम ही नहीं लगना उसको, एस लगा दो। ओके ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई मीन आंसर पढ़ते वक्त बहुत इरिटेट करती हैं, और उस इरिटेशन में इतने अच्छे पॉइंटर्स वेस्ट हो जाते हैं। इज इट फाइन? एक मैंने अभी पढ़ा था कंट्रीज, कंट्रीज अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वाई को काट के आई ई एस, वाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं। ये आपके कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं है, ये 15,000 का मैसेज है जिसको आप कुछ भी बना देते हो। वाई काटने आई ई एस। और क्या था मैंने देखा था आपका, हाँ एक जो लास्ट में सजेशन के क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आपके टेम्पलेट में रिकैप्चुलेशन की सजेशंस हैं, बट आप क्या करते हो, गवर्नमेंट हैव टू डू, भाई ये कोई लाइन ही नहीं है सजेशन की, कोई लाइन नहीं है। गवर्नमेंट हैव टू डू क्यों, इसकी जगह वर्ड है हमारे पास शुड, तो ये लगाओ ना। अगर शुड लग गया तो इसका मतलब सजेशन है, गवर्नमेंट हैव टू डू कुछ सेंस नहीं है इसकी, छोड़ दो इस वर्ड को। इज इट क्लियर? और क्या पढ़ा था मैंने, एक पास्ट टेंस की भी गलती करते हो। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वर अकड, अगर अकड लग गया ईडी आ गया तो वर मत लगाओ। अकड इन इट सेल्फ इज इंडिकेटिव दैट इट इज अ पास्ट टेंस,
सो काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेंसेस. आई बी गिविंग यू द ब्रीफिंग. सॉरी. कॉमन मिस्टेक्स मुझे नजर आई हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, अननेसेसरी लगाए हुए हैं प्रेपोजिशंस में, और फिर प्रोनाउंस प्रेपोजिशंस एंड टेंसेस. ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, बाकी आपके पास 180 वर्ड्स टेम्पलेट के करेक्ट हैं. उसमें जो फिटिंग्स करनी है वो भी करेक्ट चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये ना लगे ऊपर तो इतना अच्छा लिखा हुआ है, नीचे जाके तो ये कुछ और है, इसका मतलब याद किया हुआ है. डोंट गिव दिस इम्प्रेशन. उसके बाद के जो ब्लैंक्स हैं उनमें ये चीज़ें करेक्ट फिल करो. इज इट ओके? ये वाली मिस्टेक्स रिमूव कर देना. और नहीं, ये बताने में भी मुझे शर्म आ रही है. देयर के क्या स्पेलिंग होते हैं? और टी एच ई आई आर क्या होता है? तो दोनों क्या अलग अलग मीनिंग है? तो दोनों को इकट्ठे मत करा करो. इज इट क्लियर? प्लीज ये छोटे छोटे टिटबिट्स हैं जो इसमें राइटिंग में ठीक कर लो. नेक्स्ट आई विल बी पिकिंग अप द स्पीकिंग प्रॉब्लम्स जो मैंने स्पीकिंग में बहुत सुनी है आपकी. फाइन. कुछ पूछना है राइटिंग में? कोई आपकी गलती बड़ी कॉमन होती है और आपको लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि होता तो वैसे ही है ना, हम जब गलती करते हैं हमें लगता है हम गलत थोड़ी हो सकते हैं. है कोई आपकी मिस्टेक? आपके टेम्पलेट्स कौन से सेंटेंसेस में हैं? दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद वेरी गुड वोकैबुलरी. व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? क्या होता है? वेयर देर इज अ प्रॉपर कनेक्टर लिंकिंग वर्ड लिंकिंग आइडियाज अलोंग विद वोकैबुलरी. तो अगर आप एक चीज़ लेके बैठ जाओगे मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने आते, तो एटलीस्ट टेम्पलेट्स पढ़ लो जो राइटिंग्स करवा रहे हैं उनको पढ़ लो. इज इट क्लियर? वैसे भी आपकी हफ्ते में दो दिन ग्रामर क्लास होती है. कोई पर्सनल इंडिविजुअल डिफिकल्टीज रिलेटेड टू आइल्स हो तो क्लियर कर लिया करो. डोंट कैरी ऑन विद द मिस्टेक्स इन राइटिंग्स, अदरवाइज ऑल माई पॉइंटर्स आर गोइंग टू बी अ वेस्ट. ओके?